सन 1947 जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद आज़ाद हुआ और दुनिया में एक जगह ऐसी भी थी जहां 1947 में यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ से एक एलियन की बॉडी भी बरामद हुई। ये एलियन 4 फीट का था और जिस जगह पर यह यूएफओ पाया गया था वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 की। जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एरिया 51 के बारे में, उनको मैं बता दूं कि उत्तरी अमेरिका के लास वेगास शहर से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसको कहा जाता है एरिया 51। ये दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगहों में से एक है। अगर आप एरिया 51 को गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो ये आपको कहीं नजर नहीं आएगा। गूगल मैप तो क्या, दुनिया के किसी भी नक्शे पर एरिया 51 का कोई पता ठिकाना नहीं है। एक समय तक तो अमेरिकी सरकार एरिया 51 के होने को नकार देती थी, लेकिन जब हजारों लोगों ने इस बात को साबित किया, ऐसे सबूत मिले कि एरिया 51 होता है, तब सरकार को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने ये मान लिया कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है। लेकिन ये बात आज भी एक रहस्य ही है कि एरिया 51 में आखिर ऐसा क्या है जिसे सरकार पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एरिया 51 के बारे में ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। एलियंस के ऊपर शोध करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा है कि एलियंस इस धरती पर आया करते हैं और कुछ एलियंस को एरिया 51 में रिसर्च के नाम पर कैद करके रखा गया है। वैसे तो इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा यूएफओ एरिया 51 के आसपास ही देखे जाते हैं। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां पर आम इंसान का आना प्रतिबंधित है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि अमेरिका की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को भी एरिया 51 के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने एरिया 51 जैसी जगह को अमेरिका के नक्शे से ही हटा दिया है। यहाँ पर आम आदमी तो क्या, यहाँ पर जानवर भी नहीं प्रवेश कर सकते और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को किसी भी प्रतिबंधित व्यक्ति को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। वैसे तो अमेरिकी सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर परमाणु संबंधित रिसर्च की जाती है, लेकिन परमाणु संबंधित रिसर्च तो अन्य देशों में भी की जाती है, लेकिन वहां तो कोई भी एरिया 51 नहीं बनाया गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है कि यहाँ पर केवल परमाणु हथियार और परमाणु से रिलेटेड रिसर्च नहीं, बल्कि और भी ऐसा कुछ होता है जो कि आम इंसान की समझ से परे है। वैसे तो एरिया 51 एक ऐसी जगह पर है जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है, लेकिन जब एरिया 51 बना था तब यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, यहाँ पर आबादी हुआ करती थी। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया जाता है अमेरिकी सरकार के द्वारा कि जब एरिया 51 को डेवलप किया जा रहा था तो इन लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया था। जो लोग चुपचाप शराफत से हट गए उनको दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया गया, लेकिन जो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे उनको अमेरिकी सरकार ने बंदूक की नोक पर हटाया। और आज एरिया 51 में केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसे सरकार वहाँ ले जाना चाहती हो। क्या आपको ये बात पता है कि एरिया 51 में 100 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक रहते हैं जो अलग अलग एरियाज पर रिसर्च करते हैं, और जब इन वैज्ञानिकों को एरिया 51 में काम करने के लिए बुलाया जाता है तो इनको शपथ दिलाई जाती है कि एरिया 51 में किए जाने वाले काम के बारे में वो किसी से भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी या अपने जीवन साथी से किसी भी बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि आखिर एरिया 51 में वो लोग करते क्या हैं। आखिर एरिया 51 में ऐसा क्या होता है, ये बात हर कोई जानना चाहता है। तो अमेरिका के एक न्यूज चैनल बीबीसी के रिपोर्टर्स ने सोचा कि एरिया 51 के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और वहां पर जाकर वीडियो शूट किया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि एक्चुअली में वहां पर होता क्या है। वो लोग सिक्योरिटी को पार करके थोड़ी अंदर तक तो चले गए, लेकिन उसके बाद उन लोगों को वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया और बीबीसी को उन रिपोर्टर्स ने जितने भी वीडियो शूट किए थे, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उन सारी डॉक्यूमेंट्रीज को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब एक सवाल सबके दिमाग में आता है कि एरिया 51 का जब निर्माण किया गया होगा तो क्या किसी ने भी उस जगह का निर्माण होते हुए नहीं देखा। एरिया 51 किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी लैबोरेटरीज हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के रिसर्च किए जाते हैं। यहाँ पर एयरबेस से लेकर न्यूक्लियर प्लांट तक होने की संभावनाएं बताई जाती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है और यहाँ पर जितना भी मेजर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सारा कंस्ट्रक्शन
रात में किया गया है, क्योंकि अमेरिकी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी को भी एरिया 51 के बारे में कानो कान खबर हो। 20 सितंबर 2019, हो सकता है ये वो दिन हो जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो। इस दिन 13 लाख से ज्यादा लोग जाकर एरिया 51 में तहकीकात करने वाले हैं। जी हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट फैक्ट बता रहा हूँ। फेसबुक पर 3 बहुत बड़े पेजेस ने एक इवेंट क्रिएट किया है जिसका नाम है स्ट्रोम एरिया 51, और इस इवेंट को अटेंड करने के लिए 13 लाख लोगों ने इंटरेस्ट शो किया गया है। इसका मतलब ऑनलाइन 13 लाख लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि वो लोग एक पर्टिकुलर डेट पर जाएंगे, एरिया 51 में घुसेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या होता है। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 17 सितंबर, मतलब ठीक 3 दिन बाद हमको ये बात पता चल जाएगी कि स्ट्रोम एरिया 51 वाली घटना में आखिर होगा क्या। क्या 13 लाख लोग जाकर एरिया 51 में घुसपैठ कर पाएंगे या फिर सरकार उनको वहीं रोक देगी। एरिया 51 से रिलेटेड एक बहुत बड़ा रूमर यह है कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे, बल्कि एरिया 51 में एक नकली मून का सेटअप बनाकर उनकी वहां लैंडिंग कराई गई थी ताकि अमेरिका इस बात का खिताब ले सके कि सबसे पहले चांद पर कदम उनके देश के व्यक्ति ने रखा। तो ये तो थे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू एरिया 51। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो सभी लोग कमेंट्स पर पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो जो हमारा अगला वीडियो आने वाला था वो था चेन्नई से रिलेटेड। चेन्नई में जितने भी टेम्पल्स हैं उनसे रिलेटेड मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला था, और इस वीडियो को मुझे चेन्नई में ही शूट करना था। मैं वहां पर तिरुचिरापल्ली के एक बहुत बड़े मंदिर में गया था जहां पर मैंने पूरी वीडियो की शूटिंग की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी वीडियो फाइल करप्ट हो गई और पूरा वीडियो बर्बाद हो गया। अब मेरे पास मेमोरी के लिए केवल मोबाइल से खींची हुई फोटोज ही हैं। जो मेमोरी कार्ड में वीडियो शूट किया था वो सारी चीज़ ख़राब हो चुकी है, और यही रीज़न है कि मेरा बहुत सारा टाइम ख़राब हो गया और हमारा अगला वीडियो आने में इतना टाइम लग गया। बट ठीक है यार, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कोशिश करेंगे कि अगली बार जब वीडियो बनाएं तो किसी रियलिस्टिक प्लेस पर जाकर ही वहां की मिस्ट्री को एक्सप्लोर करें। खैर, अभी अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आज पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज माय सेकंड चैनल गौरव कटारे एक्स्ट्रा। यू कैन ऑल्सो विजिट टू माई फर्स्ट चैनल गौरव कटारे वेयर आई रोस्ट द ट्रेंडिंग बकचोदी। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।